तो मैंने साड़ी सिलेक्ट की और मेरे होने वाले पति ने कुर्ता सिलेक्ट किया, क्योंकि हम दोनों का कस्तूनी में इतनी प्यारी और खूबसूरत और टॉप की जगह भी है, मुझे पता ही नहीं था। आज पहली बार हमने जब तक दूध दिया तब तक अपने घर में रखा, जब नहीं दिया तो ये करा। अच्छे होंगे और मैं एकदम मस्त हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक नई ब्लॉग में। सुबह की वर्जी अब 9:30, और जैसे कि आप देख रहे हो मैं नहा धो के एकदम तैयार होके आई हूँ अपनी छत में। मैं क्या आपको बाकी सारे लोग भी दिखाई दे रहे होंगे आज अपने अपने छतों में। तो दोस्तों आज हम सुबह सुबह इसलिए नहाए हैं क्योंकि आज नारी देवी माँ आई है यहाँ। मतलब आ तो कल शाम को ही गई थी, हमको आई थी, बट उस टाइम हमने वीडियो नहीं बनाई, तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा मैं भी बना लेती हूँ। आज फर्स्ट टाइम दी नहीं पहनी है सूट, इसीलिए बोल रही कि मेरे चारों ओर कैमरे लगाओ। विदा, उसके बाद हम सीधे मार्केट आए और मार्केट से मीनू दी के दिमाग में पता नहीं आज क्या आया कि हमें मंदिर जाना चाहिए। तो हमने कहा चलो चलते हैं, नहीं जाने नहीं पर मंदिर जाना। वैसे मैं और पीनू दी तो कल भी आए थे, है नहीं, शिवरात्रि पे यहाँ। बहुत मिस करा क्योंकि मैं नहीं आई थी, बुला दिया था, फोन कर दिया था, इसको अलग इनविटेशन चाहिए था कि हाँ। अब तो फूल भी सूख गए होंगे। दीदी देखो जी, दीदी को एक वीडियो बनाओ। हम तो ऐसे हैं जहाँ कोई बोलने से पहले ही हम पहुँच जाते हैं। दोस्तों कल तो बहुत ज्यादा भीड़ थी, लेकिन आज अभी इस टाइम कोई नहीं होगा क्योंकि धूप भी बहुत तेज हो रही है। आपको हमारे फेस से दिख रहा होगा, टमाटर टमाटर सुबह क्या अच्छे से लग रहे थे, बट आज सुबह पूरे दिन भर हम धूप पे खड़े हो रखे थे। खाना भी नहीं खाया सुबह से, अभी तक खाना भी नहीं खाया, खाना नहीं खाया, बिस्किट खा रखे हैं दो दो, बस पेट में अजीब सा हो रहा है। चलो पीयू दी, मीनू दी। दोस्तों कल तो अवसर नहीं मिला मंदिर में वीडियो बनाने का, लेकिन आज देखो खुद ही खुद को चंदन लगा लगाओ। मीनू दी बोल बासमती चावल, आज बनेगा बासमती चावल। दोस्तों मुझे तो कुछ नहीं आता, लेकिन मीनू दी ने अभी मुझे एक शायरी बताई है कि तुम मुझे नवरात्रि में मांगना, मैं तुम्हें शिवरात्रि में मांग चुकी हूं। थी, लेकिन आपको तो पता है लड़कियां होती हैं मोमोज की दीवानी, तो सबसे पहले हम आए हैं मोमोज खाने। तो जैसे ही मंदिर से घर आए कि यहाँ पे हमें गाय दिखी और पीहू दी, और हमारे रूम पे थी बहुत सारी रोटियाँ, बासी रोटियाँ बची हुई, तो हमने गाय को दी तो फेंकने से अच्छा गाय, और भूखी भी लग रही थी ना, मामा कर रही थी, हम तो दे देते हैं, क्योंकि ये गाय ना रोड में नहीं छोड़ी रहती इनकी लगातार। कौन छोड़ता है यार, इतने गंदे काम क्यों करते हैं लोग गाय छोड़ के, है ना। वही तो, इनको अपने जब है इनकी गाय तो इनको अपने घर पे रखना चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए। जब तक दूध दिया तब तक अपने घर में रखा, जब नहीं दिया तो ये करा। भाई ये दुनिया बड़ी मतलबी हो गई है, सही बात। दोस्तों तो मंदिर से आने के बाद हमने करा थोड़ा सा आराम, और शाम की बजे अभी 6 और बाहर होने लग गया है अंधेरा। तो इस टाइम हमने अचानक से प्लान करा कि अभी हम थोड़ा सा जाएंगे मार्केट, और सॉरी मीनू दी की हुई है सगाई क्या पक्की, तो ये करा रहे हैं उस खुशी में हमारे लिए पार्टी। धन्यवाद आप सभी का सगाई में, आप सभी लोग इनवाइट है। तो दोस्तों चलते हैं अभी मार्केट और देखते हैं। हाँ वही तो, मीनू दी अभी शॉपिंग पे जा रही है, क्या लेना है मीनू दी तुझे, सूट लहंगा देखते हैं क्या पहनूंगी। आप कमेंट में करना कि मैं सूट पहनू या साड़ी पहनू, साड़ी साड़ी पहनना। क्या चमक रही है मिस राज को भी सुंदर दिख रहा है, देख लिया लड़कियों का सबसे पहले कैमरे पे ये है ये 2.5 भाई अब। हां नहीं दोस्तों डाला धार पर
जगह पे। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं क्या बोलते हैं ठेले पे, ठेले पे गोलगप्पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत टेस्टी गोलगप्पे होते हैं। और बिहूदी और मुझे चाहिए दही वाले, हमने एक बार टेस्ट करा था, बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते हैं। और रात का मौसम आई हाई, गर्मी के दिन आ गई, थोड़ा वही थोड़ा अच्छा वाला फील हो रहा है। कभी आपने नदी किनारे और ठेले में गोलगप्पे खाए हैं? खाए हैं, जरूर कमेंट में बताना जी दोस्तों। आपको तो पता नहीं होगा गोलगप्पा क्या होते हैं। यो आपने तो गोलगप्पे देखे होंगे। नहीं नहीं ये गोलगप्पा नहीं, अंडे के चिकन है। जी आ रहा है उनको करीब यूज ना करें, खाना होने का काम नहीं लगा। पीयूदी हो गया, बहुत टेस्टी हो रहा है गोलगप्पे। आपको भी चाहिए है तो आ जाना यहाँ पे विजयनगर में, नियर विजयनगर गंगा दर्शन लॉज है बड़ा सा, उसके सामने आ जाना आप। बहुत टेस्टी गोलगप्पे मिल रहे हैं आपको। आंटी जी बड़े बड़े गोलगप्पे देती है। जिसमें ऑर्डर के द्वारा भी दिए जाते हैं, उचित मूल्य पे मिलते हैं, उचित मूल्य पर मिलते हैं और बहुत टेस्ट मिलता है। दही वाला अलग मिलेगा और सिंपल वाला अलग मिलेगा, साथ ही साथ में टिक्की भी है यहाँ पे। तो जो खाली खाली बोल रही है गाइस, जरूर आना प्लीज। दोस्तों अगस्त मुनि में इतनी प्यारी और खूबसूरत और टॉप की जगह भी है, मुझे पता ही नहीं था। आज पहली बार हमने इसमें अपने कदम रखे हैं। ये सच में दीदी तुम इतना ईमान दिवा। हेलो मैं भी हूँ। तुमने भी आज पहली बार रखे ना यहाँ पैर? नहीं मैं पहले आई थी मिनी के साथ, मैं यही पहली बार। तो दोस्तों ये वही तो अंकित, ये नीचे है रोड, हम है ऊपर गाड़ी के ऊपर। तो गाड़ी के ऊपर एक खूबसूरत सा क्या बोलते क्या बोल दो लोदी, ये था वो कैफे समझ के। हाँ कैफे, हाँ वही है, बहुत ही खूबसूरत सा फास्ट फूड वैन। हाँ वही वैन। तो तुमको यहाँ मैं लाई हूँ वही तो, वरना हम ना जब भी कॉलेज जाते थे बस यहाँ नीचे से दर्शन होते थे कि आओगे तो मेरा नाम लेके यहाँ पर डिस्काउंट हो जाएगा तुम्हें। वही तो, पता नहीं आज मीनू दी किस खुशी में पता नहीं क्या क्या खिला रही। हाँ वही तो, पता नहीं कितनी चीज खिला रही, मोमो खिलाए, गोलगप्पे, दूसरे बार गोलगप्पे। अभी तो सिर्फ शादी के सपने देख रही थी। खिलाए तो होता भी, जिस दिन शादी होगी उस दिन पता नहीं क्या होगा, उस दिन तो भंडारा हो गया। गया क्योंकि आज थी पीहू औरू के घर पे ही खाना था, मतलब पीहूदी औरू के। तो आज है पीहूदी की सगाई, तो मतलब मेहंदी है, हाँ आज मेहंदी है। तो पीहूदी कैसे लग रहा है आपको? मतलब यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इनकी लव मैरिज भी है और ऊपर से इसकी खुशी एक अलग ही होती है। लव मैरिज हुआ है तो खुशी तो होगी। सो बहुत मनाने के बाद मेरी लव मैरिज सक्सेस हुई है और आज मेरी मेहंदी है और कल मेरी सगाई है। सच में दीदी बहुत ज़्यादा खुश है, वो भी एक्साइटेड यार सही में। मतलब अचानक प्लान हो गया, मतलब घर वाले भी मान गए तो सीधे सगाई का प्लान हो गया। फिर आप देख ही रहोगे आज मेरी मेहंदी है और कल मेरी सगाई है। पीहूदी सच में बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही है। बाकी पीहूदी ने किसी को जादू का मतलब इनवाइट नहीं करा है, जादू को बस मैं और मीनू दी ही हैं, बाकी पीहूदी की बहनें हैं। और कहा है ना पीहूदी मतलब बहुत उतना वो नहीं है करा, बस मतलब वैसे सडन किसी को पता भी नहीं था तो अचानक से सगाई होगी, सगाई है मतलब। तो मैंने पड़ोसी बस मीनू को इन्वाइट किया और खुशी को इन्वाइट किया बस। यहाँ वीडियो कर, खैर मैं तो ब्लॉग के लिए बना रही, कैमरा वाले भैया भी आने ही वाले हैं। तब तक विनोदी कैसे लग रहा है तुम्हारी फ्रेंड? खुशी भी हो रही है और थोड़ा गम भी हो रहा है क्योंकि ये जाने वाली है। पीहूदी तुम्हें आज मतलब कितनी, खैर मुझे पता है लव मैरिज की तो एक अलग ही खुशी होती है। आप बहुत कल की क्या तैयारियां है, आप क्या पहनने वाले हो, कितने एक्साइटेड हो और घबराहट भी हो रही क्या है? घबराहट तो बहुत हो रही है लेकिन खुशी भी है, एक्साइट की कि हाँ मेरा लव सक्सेस हो रहा है। सो मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने कल के लिए साड़ी सिलेक्ट की है और मेरे होने वाले पति ने कुर्ता सिलेक्ट किया, क्योंकि हम दोनों का मतलब हमने सोच रखा था कि अगर साड़ी पहनेंगे तो कुर्ता लेंगे। तो मैंने साड़ी सेलेक्ट की तो उनके लिए मैंने कुर्ता ही, क्योंकि हम दोनों की शॉपिंग साथ में हुई है। तो कल के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार। देखो हमारा लव मैरिज है लेकिन हमारी प्रॉब्लम्स बहुत आई है बीच में, तो
बहुत मतलब बहुत टाइम बाद, 2-3 साल बाद आज हमारा सक्सेस हुआ है, तो कुछ घबराहट, हाँ यार घबराहट तो बहुत हो रही है, बट खुशी भी एक साइड से कि यार मेरा लव सक्सेस हुआ है। सो मैं सब, मैं यार गॉड से प्रे करूँगी कि जितनों का भी लव है वो सक्सेस हो जाए यार, है ना, क्योंकि जो खुशी लव सक्सेस होने के बाद मिलती है ना वो खुशी नहीं है यार कहीं भी सही में। तो गाइस मैं आप लोगों से सब आप सब लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि कैसे लगा मेरा मजाक। तो दोस्तों हमने करा आपके साथ प्रैंक, तो क्योंकि अभी हमने मेहंदी लगाई थी पीहूदी के हाथों में, तो इसके दिमाग में अचानक से जैसे हम खाना खा रहे थे इसका दिमाग ऐसे चला कि हमें सगाई का वो करना चाहिए, प्रैंक करना चाहिए। लाइक क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त लोग हैं जो बहुत एक्साइटेड हुए होंगे और मेरी वीडियो देखने के लिए कि हाँ यार इसकी सगाई होगी अचानक से। सो हमने सोचा मेहंदी लगाई थी क्योंकि मेहंदी की आर्टिस्ट आई थी हमारे यहाँ मीनू कंडारी जी, तो हमने सोचा मेहंदी लगाते आज और उसके बाद प्रैंक हो जाए एक मस्त सा। दोस्तों हम इतना हंसे ना, हमने इतनी प्रैक्टिस करी ना, आप BTS में देख लेना बल्कि हमने बैकग्राउंड के लिए क्या कुछ नहीं किया, करा ये करा, फिर गुब्बारे के वहाँ पे खड़े हुए, हैप्पी बर्थडे नहीं निकाला। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी, मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में। लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर जरूर करना यार, ठीक है। बाय बाय दोस्तों।